Dear friends, welcome to this question-answer series presented by Dr. Johnson C. Philip. Dr. Philip has spent his whole life answering young and old on an unbelievably wide range of subjects. His ultimate aim is to help you to find answers to your questions and even doubts. In turn, this will help you in multiple ways. Dr. Philip keeps posting question answers regularly. Many of these can be very helpful to you. Do not miss any of them. Please subscribe to our channel and you will get notice of each and every video as it is posted. It is easy to subscribe. Below this video you will see a subscribe icon. Please click it. Please also click the bell icon there to confirm your subscription. That is all. You will never miss any of these life-transforming videos. God bless you. Since the Lord has given us this kind of an opportunity, let us make the best use of it. As Brother Adai during his prayer said, this is not a new subject. Trinity is a subject widely discussed within the Christian community. And when we pick up that subject, I sit here in your presence with the prayer that you might be blessed and that you might be able to get something new. Aaj Parmeshwar ne is tarah se jo mauka diya hai uske liye main Prabhu ka shukrgujar hoon. मैं मेरी प्रार्थना है कि जिस तरह से भाई आदाई ने प्रार्थना के समय का प्रभु से विनती की थी उस तरह से कि प्रभु आपको इस आज कुछ ना कुछ दे. भाई अवधेश इवेंजलिस्ट अवधेश यदि मेरी आवाज सुन रहे हो तो क्लोजिंग प्रेयर के लिए तैयार रहे. मैं अभी से इसलिए अनाउंस कर रहा हूँ कि कहाँ पर किस जगह किसके पास लाइन होगा कनेक्टिविटी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है तो जरा इस बात का ख्याल रखें. ट्रिनिटी इज एन इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन. एंड एग्जैक्टली व्हाई डिड आई चूज ट्रिनिटी, बिकॉज ब्रदरन थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट इंग्लिश, दिस इज द फर्स्ट क्लास एंड फर्स्ट सब्जेक्ट. एंड इन द फर्स्ट क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट व्हाई इन द वर्ल्ड डिड आई चूज ट्रिनिटी as a subject for study. It's a very, very right question. And let me address that question first. कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अरे भैया आप बाइबल क्लास अंग्रेजी में चालू करने जा रहे हैं, ट्रिनिटी जैसा कठिन सब्जेक्ट आप क्यों स्टार्टिंग में ले रहे हैं? कठिन है क्या? जस्ट वेट, अपन देखते हैं कठिन है क्या. तो फिर अगला प्रश्न है, ट्रिनिटी जैसा सब्जेक्ट क्यों लिया? उसका उत्तर अभी देते हैं. एक्चुअली देर आर सर्टेन डॉक्ट्रिन्स इन द बाइबल विच आर वेरी फंडामेंटल एंड ऑल द अदर डॉक्ट्रिन्स डिपेंड अपॉन दिस फंडामेंटल डॉक्ट्रिन. दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड पिक अप द फंडामेंटल डॉक्ट्रिन्स फर्स्ट. And of all the fundamental doctrines, Trinity happens to be one of the most fundamental. So every person has to study about Trinity. And the study of Trinity is very important. प्रभु के वचन में बहुत सारे जो उपदेश दिए गए हैं उनमें से कुछ उपदेश एकदम मूलभूत उपदेश है, बाकी सारे उपदेश उस पर डिपेंड करते हैं. ट्रिनिटी उसमें से एक है और इसलिए ट्रिनिटी का अध्ययन बहुत जरूरी है. यू मे आस्क ब्रदर आर यू सीरियस और आर यू जोकिंग? नो, आई एम वेरी सीरियस. आई डोंट जोक व्हेन आई टीच द स्क्रिप्चर. आई मे क्रैक ए जोक फ्रॉम टाइम टू टाइम, बट इवन व्हेन आई क्रैक ए जोक द पर्पस इज टू इम्प्रिंट दैट आइडिया इन योर माइंड. सो दिस इज नॉट ए जोक. ट्रिनिटी इज वन ऑफ द मोस्ट fundamental doctrines. And let me just mention three fundamental doctrines that depend upon Trinity. The first is the doctrine of creation. The second is the doctrine of redemption. And the third is the doctrine of eternity. And all of you, since you're all good Bible students, you do understand that creation, redemption, and eternity summarizes the entire doctrinal canon. Yes, Trinity is that important.
आप पूछेंगे कि मूलभूत डॉक्ट्रिन है तो अन्य कौन से डॉक्ट्रिन्स हैं जो ट्रिनिटी पर डिपेंड करते हैं, या हिंदी में ट्रिनिटी को अपन त्री एकत्व बोलते हैं, कौन कौन से उपदेश हैं जो त्री एकत्व पे डिपेंड करते हैं। मैं सिर्फ तीन आपको बताता हूं और तीन में सब हो जाएगा। नंबर वन, सृष्टि का उपदेश त्री एकत्व या त्रित्व के उपदेश के बिना अधूरा है। उद्धार का उपदेश त्री एकत्व के उपदेश के बिना अधूरा है। और हम सब जिस अनंत काल में प्रवेश करने जा रहे हैं उसका उपदेश भी त्रि एकत्व के बिना अधूरा है। यदि सृष्टि, उद्धार और अनंत काल का जीवन ये तीनों त्रि एकत्व पे डिपेंड करते हैं तो बाइबल का सब कुछ आ गया, क्योंकि सृष्टि है, उद्धार है और अनंत काल है। ओके, इफ इट इज सो इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली वी ऑल नीड टू स्टडी इट। एंड द क्वेश्चन इज, is it possible to study the doctrine of Trinity because people say it is very difficult, this and that. Whether it is difficult or not, you decide. Not today. I may offer three or maybe four classes, depending upon a number of factors, three or four classes. And after these three or four classes, you decide whether Trinity is easy to understand or not. But my request is, please do persist, because it is a fundamental doctrine. आप कहेंगे कि brother, हो सकता है कि ये मूलभूत उपदेश हो, लेकिन सुनते हैं, अरे ये 50 बातें सुनते हैं उनकी तरफ ध्यान ना दे। आप शायद कहेंगे सुनते हैं कि ये तो बहुत कठिन है। कठिन है या सरल है, एक चार क्लास जो मैं लूंगा वो जरा सुन लें, उसके बाद आप तय करें कि सरल है या कठिन है। वैसे एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने जो उपदेश दिए हैं वे उपदेश, चूंकि प्रभु चाहते हैं कि मनुष्य समझे, इसलिए संभावना इस बात की है कि ट्रिनिटी भी एक सरल उपदेश है। ओके, लेट मी स्टार्ट विद अ वन सेंटेंस डेफिनेशन ऑफ ट्रिनिटी। वी विल गो इनटू ऑल द डिटेल्स स्टेप बाय स्टेप। आई अश्योर यू आई विल नॉट लीव एनीथिंग, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज सेंड योर क्वेश्चंस टू मी। जस्ट नाउ आई गॉट अ क्वेश्चन, बट एज आई टेक क्लासेस माय एंटायर फोकस इज ऑन द क्लास, एंड देयरफॉर I apologize, I cannot give attention to your question. But Dr. Sanish Charyan, would you please my mobile number in the comment box? And would beloved brothers and sisters note that number, save it on WhatsApp and send your questions to me in WhatsApp. Once you send your questions to me in WhatsApp, I will add you to the Brethren Theological Institute group. Either I will add you or Dr. Sanish Charyan will add you. And that group provides us a great forum for passing information and also for asking questions. कई लोगों ने already प्रश्न पूछना शुरू कर दिया है comment box में। मेरे साथ परेशानी ये है कि जब मैं class लेता हूँ तो comment box में जो प्रश्न आते हैं उन पर ध्यान नहीं दे पाता, क्षमा करें। मैं अब जवान नहीं हूं, मेरी उम्र इतनी हो गई है कि एक से अधिक बातों पर ध्यान देना मुश्किल है, लेकिन मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि ट्रिनिटी या ट्रायून गॉड, इस विषय पर आप जो भी पूछना चाहते हैं बेशक पूछिए। डॉक्टर सनीश चरियान ने कमेंट बॉक्स में मेरा फोन नंबर दे दिया है, उस फोन नंबर को सेव कर लें और व्हाट्सएप के द्वारा प्रश्न पूछे, कुछ भी पूछिए, हर प्रश्न का हम स्वागत करते हैं। ए वन सेंटेंस डेफिनेशन टू बिगिन विथ, एंड द वन सेंटेंस डेफिनेशन वुड बी लाइक दिस, वी बिलीव इन वन गॉड हु इटर्नली एक्सिस्ट इन थ्री पर्सन्स।
प्रश्न हिंदी में भी पूछे जा सकते हैं। मेरे लिए हिंदी, इंग्लिश, मलयालम तीनों भाषाएं एक बराबर हैं। आप प्रश्न हिंदी में, मलयालम में या अंग्रेजी में मुझे भेज सकते हैं। डेफिनेशन, वंस अगेन लेट मी रिपीट, वी बिलीव इन वन गॉड हु इटर्नली एक्सिस्ट इन थ्री पर्संस। हम एक परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो तीन व्यक्तियों में सनातन अस्तित्व में है। आप पूछेंगे कि तीन व्यक्तियों में, ये मैं सिर्फ मैं परिभाषा दे रहा हूं, आगे हम इसको विस्तार से देखेंगे। परिभाषा इसलिए दी कि विषय का आरंभ कहीं से तो होना चाहिए, विस्तार उसके बाद करेंगे। यू मे आस्क, इटर्नली एक्सिस्ट इन थ्री पर्संस, व्हाट डू यू मीन? प्लीज प्लीज वेट, दिस इज ओनली अ वन सेंटेंस डेफिनेशन और अ वन लाइन डेफिनेशन, बिकॉज एवरी सब्जेक्ट हैज टू बिगिन समवेयर। वंस वी बिगिन, वी विल स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय cover each and every point, and I believe me, I will not leave any point, and I will not run away from your questions. Ask any question that you want to ask. Most probably, what you want to ask, I might cover in the coming days. But please do ask, and don't think that I will be insulted. Some people say, Johnson uncle, we wanted to ask a question, but we did not ask, because by chance, if you don't know the answer, you may feel insulted. Now, half of the statement is right. By chance, you may not know the answer. I agree. I am not omniscient. I am not all-knowing. So it is possible that you may come up with a question for which I have no answer. But believe me, I will not feel insulted. I will not feel humiliated. Rather, I will be happy that, hey, here is a question for which I have no answer. I have finally come to the limitations of my knowledge, and therefore I should go back to the book of God, and read it and find the right answer. I will not feel humiliated. Rather, I will plead you to give me 1 week, and in that week, believe me, I will go through the scripture, Old Testament, New Testament, Hebrew, Greek, whatever is needed, and I will try to find a proper and a correct answer with the help of the Holy Spirit, and I will present it. I love questions. I thrive upon questions. Questions work as tonic to me for my Bible studies. Is ek vakya se humne jo aarambh kiya, इसके बारे में हो सकता है 50 क्वेश्चन आपके मन में हो। मैं यकीन दिलाता हूं, प्रिय भाई, प्रिय बहन, आप जो पूछना चाहें पूछ सकते हैं। यदि आपको लगता है कि आपके प्रश्न का कहीं भाई जॉनसन उत्तर ना दे पाए तो उनको अपमान तो नहीं उनका हो जाएगा? देखिए, मैं सर्वज्ञानी नहीं हूं, इस कारण हो सकता है कि आपके प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊं, लेकिन अपमानित बिल्कुल नहीं फील करूंगा। बल्कि मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रिय भाई, प्रिय बहन, मुझे एक हफ्ता समय दीजिए, क्योंकि मुझे ये बात याद समझ में आ गई है कि इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है, मैंने अपनी सीमा देख ली है। मैं प्रभु के वचन में जाकर अध्ययन करके पवित्र आत्मा की मदद से अगले हफ्ते आपको जवाब दूंगा। इसलिए प्रश्न पूछें, प्रश्न जरूर पूछें, और किसी प्रश्न को मन में ना रखें। आइए हम अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो फॉरवर्ड। क्रिश्चियन कम्युनिटी इज डिवाइडेड इनटू 4 मेजर डिविजन्स, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑल दीज मेजर डिविजन्स। दे डिफर इन ऑलमोस्ट ऑल डॉक्ट्रिन्स, at least superficially they differ. At a fundamental level, the difference is much less than what we think, but at a superficial level, there is much difference between all of them. But surprisingly,
the one single doctrine on which all four major divisions of the Christian church agree is the doctrine of Trinity. So important, so fundamental. त्रित्व के बारे में या त्रिएकत्व, मैं इन दोनों शब्दों का उपयोग करूंगा, त्रित्व त्रिएकत्व। त्रिएकत्व के बारे में एक विशेष बात क्या है, आज मसीही जगत चार मुख्य भागों में बटा हुआ है। इन चारों के बीच में तमाम तरह के मतभेद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ताज्जुब की बात यह है कि इतना अधिक मतभेद होने के बावजूद एक डॉक्ट्रीन जिस पर चारों मसीही जगत के चारों विभाग एक मत हैं, वो है त्रिएकत्व का उपदेश। आप पूछेंगे चारों विभाग कौन कौन से हैं ब्रदर, हमने तो सुना है कि हजारों विभाग हैं। हाँ, हजारों विभाग हैं, लेकिन वे बेसिकली चार में आते हैं। यू मे से वी हैव हर्ड दैट देयर आर अबाउट 5000 डिनोमिनेशंस, दैट्स ट्रू, बट ऑल 5000 कैन बी क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर डिविजंस। The first one is congregational churches. Congregational churches means those churches which do not have a hierarchy or which have a loose hierarchy so that the local church enjoys much autonomy. The brethren, they belong to, they are the best example of congregational churches. But then there are local churches, Baptists, and also free churches, new life churches, they all fall into the category of congregational churches, where there may be a loose hierarchy, but each church is autonomous. Among congregational churches, the most autonomous ones, rabidly autonomous, are the brethren. The second is Roman Catholic. Roman Catholic churches are under the leadership and under the rule of Pope. The third is Protestants. Protestants include Church of North India, Church of South India, Marthomites, and also there are numerous churches in India and also worldwide. Then the fourth division is the Orthodox churches. In India, there are Jacobites and Orthodox churches. In Russia, there are Russian Orthodox churches. And in this way, there are a lot of churches that identify themselves as Orthodox churches. So this way, there are four major divisions of the Christian faith. And the 5,000 or so many divisions that you hear about, they belong either to Protestant groups or to congregational groups. But ultimately, Christendom is made up of four major divisions, and all four of them accept the doctrine of Trinity. In fact, they consider it as a compulsory doctrine. You cannot deny it. मसीही जगत में 5000 के करीब संप्रदाय हैं, लेकिन ये 5000 संप्रदाय मुख्यतया चार विभागों में बटे हुए हैं। इनमें पहला है congregational. Congregation मंडली को दिखाता है। Congregational churches का मतलब है वे churches जिसमें एक hierarchy नहीं है, बल्कि लगभग हर मंडली स्वतंत्र है या काफी कुछ स्वतंत्र है। ब्रदरन, पेंटिकॉस्टल्स, बैप्टिस्ट वगैरह इसमें आते हैं। इनमें कुछ में नियंत्रण है, लेकिन इसके बावजूद हर लोकल कांग्रीगेशन को काफी आजादी रहती है। इनको कांग्रीगेशनल चर्चेस कहते हैं। कांग्रीगेशनल चर्चेस का सबसे बड़ा उदाहरण है ब्रदरन चर्चेस, क्योंकि ब्रदरन चर्चेस में ये हर चर्च की ऑटोनमी, स्वतंत्रता के बारे में ब्रदरन लोग बहुत ज्यादा स्टॉन्च है। सारे के सारे कांग्रीगेशनल चर्चेस ट्रिनिटी को एक जरूरी उपदेश मानते हैं। नंबर दो रोमन कैथोलिक, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि रोमन कैथोलिक्स पोप के द्वारा नियंत्रित एक समूह है। वे लोग भी त्रिएकत्व को कंपल्सरी डॉक्ट्रिन मानते हैं। फिर आते हैं प्रोटेस्टेंट, जैसे चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, चर्च ऑफ साउथ इंडिया है, इवेंजेलिकल लूथरन चर्चेस है, ये सब प्रोटेस्टेंट्स में आते हैं। ये लोग भी त्रिएकत्व को कंपल्सरी डॉक्ट्रिन मानते हैं। इसके बाद आता है ऑर्थोडॉक्स चर्च।
ऑर्थोडॉक्स आप में से कई लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, खासकर उत्तर भारत के लोगों ने, इसका ओरिजिन केरल में है, इंडिया में इसका ओरिजिन केरल में है। केरल में ऑर्थोडॉक्स चर्च और जैकोबाइट चर्च के नाम से ये लोग जाने जाते हैं। इसके अलावा रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च है, उसके और भी बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स चर्चेस हैं। ऑल फोर मेजर डिविजन्स ऑफ क्रिसेंडम एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी as a very, very, very fundamental doctrine. And there is no other doctrine in the Bible which gets so much attention and so much affirmation from all four divisions of Christendom. And that shows how important this doctrine is. Whether you have understood this doctrine before or not, that is not the question. We have to understand that those who understand it, they consider it as the most fundamental doctrine, which once again means that we need to study this doctrine very carefully. Masihi jagat ke jo char mukhya dharaen hain, in char mukhya dharaon mein kai vishayon ke upar sahamati nahi hai, lekin tri ekatv ka jo upadesh hai uske upar sahamati hai, jo is baat ko batata hai ki ye kitna fundamental या मूल उपदेश है, मूलभूत उपदेश है। इस कारण हमको पूरे ध्यान से इसका अध्ययन करना चाहिए। हो सकता है कि आपको ये उपदेश समझ में ना आया, लेकिन जिनको समझ में आया है वे इसको बहुत ही मूलभूत मानते हैं, जिसका मतलब है कि इसको समझने की कोशिश होनी चाहिए। ओनली फॉल्स कल्ट्स एंड डीवियंट वूमेन्स डिनाई दिस डॉक्ट्रिन। I make this statement because you may say, Brother Johnson, we have heard some Christians who deny the doctrine of Trinity. They claim to be Christians, but they are basically false cults and also deviant movements within the Christian faith. Jehovah Witnesses, Seventh-day Adventists, they deny it. But please remember, they fall into the category of false cults. Deviant movements within the Christian community, they claim to be Christians. There is a church known as Unitarians. They deny the doctrine of Trinity. And since they deny the doctrine of Trinity, they also deny that Bible is the word of God. They deny the doctrine of salvation also. That is why we call them deviant. They deviate from the main thing. आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन, मैंने कई मसीही लोगों को त्रित्वोपदेश का विरोध करते हुए सुना है। देखिए, वे अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन बेसिकली इन लोगों का सही जो नाम है वो है फॉल्स कल्ट। फॉल्स कल्ट कौन? जो गलत उपदेश या झूठे उपदेश सिखाने वाले समूह है। इसके अलावा कुछ ऐसे भी हैं जो अपने आप को मसीही होने का दावा करते हैं लेकिन गलत मार्ग पर चलते हैं। फॉल्स कल्ट से मेरा मतलब है यहोवा विटनेसेस, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट जैसे समूह जो त्रित्वोपदेश का विरोध करते हैं और जो गलत रास्ते पर चलते हैं। कम से कम एक चर्च है जो अपने आप को यूनिटेरियन चर्च कहलाता है, ट्रिनिटेरियन का विरोध के विरोध में वो अपने आप को यूनिटेरियन कहते हैं। रिजल्ट क्या है? वे ना तो बाइबल को प्रभु का वचन मानते हैं, ना प्रभु यीशु को मुक्तिदाता मानते हैं, ना ही ये मानते हैं कि प्रभु यीशु के द्वारा मनुष्य को मुक्ति मिल सकती है। कैसे ईसाई है? द डॉक्ट्रिन ऑफ वन गॉड हु इटर्नली एक्सिस्ट इन थ्री पर्सन्स, इज इट फाउंड इन द बाइबल? That's a question which a lot of people ask. Particularly when I go into camps and conferences where young people feel very free to talk to leaders because there is nobody to stop them. Parents are not watching. Elders of churches are not watching. And people like me who minister frequently in camps, children know that we are very free and they can ask anything. They come and say, often asked, Johnson uncle, do you find the word Trinity in the Bible? To them, it seems as though they have asked a million-dollar question.
Because if I say, yes, it is found, they know they have trapped me because it is not found. And if I say it is not found in the Bible, then also they know they have trapped me because they think if it is not found in the Bible, then it is not a doctrine. So a lot of young people come and ask me, Johnson Uncle, is the doctrine of Trinity found in the Bible? And I'm always amused about their way of thinking and their desire to trap me. अक्सर लोग पूछते हैं कि ये जो त्रित्वोपदेश जिसको आप इतना जोर दे रहे हैं ये पवित्र बाइबल में पाया जाता है या नहीं. एक्चुअली एक जाल में फंसाने का यत्न है. यदि मैं कहूं कि पवित्र बाइबल में ये नहीं मिलता है तो वो कहेंगे फिर आप काहे को इसे पढ़ा रहे हैं. और यदि मैं कहूं कि मिलता है तो उनका अगला प्रश्न होगा कि दिखाओ. और जब वो कहेंगे दिखाओ और मैं दिखा नहीं पाऊंगा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी. ये मन में रख के कई बार लोग पूछते हैं. कई बार लोग जेन्युइनली भी ये सोच के पूछते हैं कि यदि बाइबल में नहीं मिलता है तो फिर काहे को इसका उपयोग किया जाए वगैरह. उसका उत्तर भी मैं अभी देने वाला हूं. यंग पीपल व्हेन दे आस्क दिस क्वेश्चन I often reply them, son, kid, daughter, we don't find that word in the Bible. Wow, they say, I trapped Johnson uncle. Uncle, if it is not found in the Bible, then why do we talk about it? I usually, for that question, I ask a counter question. Please remember. Counter question is one of the best methods to teach doctrines to people who are skeptical. And therefore, usually my counter question is, do you believe in security of salvation? Oh yes, I believe in security of salvation. Do you believe in millennium? Oh yes, I believe in millennium. Okay, fine. Can you show me this expression, security of salvation and millennium, in the scripture? Then they cut a very sorry figure and after much thinking they say, well uncle, it is not found. So I ask them, if it is not found, then why on earth are you using it? Then they say, well uncle, these are concepts found in the Bible. Exactly, I say, concepts. If a concept is found in the Bible, you can give it a name, isn't it? A name which is not found in the Bible, they say, yes, uncle. If a concept is found in the Bible, and if it doesn't have a name in the Bible, then there is nothing wrong giving it a name. I say, yes, exactly. That is what I wanted to hear from you. The concept of Trinity is found in the Bible, and it is named Trinity. What is wrong with that? And then if they came with an inquiring spirit, they are very happy. If they came with a spirit to trap me, they are very upset that, oh, this time we could not trap Johnson uncle, so we will ask some more questions about Trinity and we will trap. See, my dear friends, I'm always ready to be trapped. Because when somebody traps me, that tells me that is an area which I need to study further. That's why I humbly requested all of you to send your questions to me. I will not feel insulted or humiliated if I don't know the answer. Aksar, jawan log aakar mujhse poochte hain, uncle, ye jo Trinity hai, ye Bible mein milta hai kya? Iske baare mein maine aapko bataya tha ki fasane ki koshish hai. Main unse jawab mein poochta hoon. Achha, ek baat batao ki security of salvation, matlab uddhar की सुरक्षता. प्रभु यीशु का 1000 साल का वास, जिसको हम सहस्त्र वर्षीय राज्य बोलते हैं, ये शब्द बाइबल में मिलते हैं क्या? तो अक्सर वो लोग सोच के बोलते नहीं मिलते. तो मैं उनको बताता, यदि एक शब्द बाइबल में नहीं मिलता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसका उपयोग गलत कर रहे हैं. एक्चुअली द कंसेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इज फाउंड throughout the Bible. It is found in the first chapter of
the Bible? Yes, Genesis 1:1, it is found there. And from Genesis 1:1, the concept or the doctrine of Trinity is found throughout the Bible up to the last book of the Bible, with one point to be added here. The fullest explanation or fullest expression of the doctrine of Trinity is found in the New Testament. One should not be surprised about that. A doctrine like incarnation, it was predicted by God in Eden itself. But details about the doctrine of incarnation are found fully in the New Testament. God gave his revelation in a progressive manner. In the same way, Trinity, the doctrine of Trinity, also has come to us in a progressive manner. It doesn't mean that it did not exist in the Old Testament. In fact, the very first book of the Old Testament talks about Trinity. And from there, God has given his progressive revelation. When we come to Psalms, it is becomes much clearer. In the book of Isaiah, it becomes much clearer. And then when we come to the Gospels, and when we listen to the discourses of our Lord, it becomes very clear. And then in the epistles, we get the clearest exposition. तो जब ये प्रश्न आता है कि त्रिएकत्व बाइबल में कहां मिलता है, जरा दिखाइए, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि त्रित्व या त्रिएकत्व का उपदेश संपूर्ण बाइबल में उत्पत्ति के पहले अध्याय से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हमको मिलता है। आप कहेंगे कि ब्रदर क्या बात कर रहे हैं। जी हाँ, मैं ऐसे ही कह रहा हूं। उत्पत्ति पहले अध्याय के पहले पद में ही हमको त्रिएकत्व के बारे में सूचना मिलती है। परमेश्वर के वचन की विशेषता यह है कि उपदेश जिसकी सूचना पुराने नियम में दी जाती है, उसका विस्तार धीरे 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 प्रभु के वचन के अन्य पुस्तकों में मिलता जाता है, और नए नियम की पत्रियों में आकर ये उपदेश एकदम से स्पष्ट पवित्र आत्मा द्वारा बताए गए हैं। तो त्रित्व उपदेश उत्पत्ति के पहले अध्याय में ही हमको मिलना शुरू हो जाता है, और उसके बाद पूरे बाइबल में, संपूर्ण बाइबल में हम उसको देखते हैं, और नए नियम में आकर वो एकदम से स्पष्ट हो जाता है। आप कहेंगे कि ब्रदर हमने तो नहीं देखा है। देखिए, एक बात हम में से हर व्यक्ति को बड़े बहुत नम्रता से समझना चाहिए कि कुछ उपदेशों को समझने के लिए जितनी मेहनत लगती है, उतनी मेहनत हम में से कई लोग ना तो कर पाते हैं, ना करने का हमारे अंदर एम्पियर है। इस कारण हम उनको नहीं पढ़ पाते हैं, और इसलिए ये हमारे लिए उपयोगी होगा कि जिन लोगों ने इन उपदेशों को अच्छी तरह से पढ़ा है, सीखा है, उनसे सुने और उसके बाद उसका अध्ययन और इवन उसका विश्लेषण करें। यू मे से, हे ब्रदर, व्हाट डू यू मीन थ्रू आउट द बाइबल? आई हैव रेड द बाइबल ए टू इज़ेड मेनी टाइम्स, बट आई हैवन सीन दीज थिंग्स। एक्चुअली यू हैव सीन देम। सम डॉक्ट्रिन्स आर इजी टू सिंथेसाइज, some doctrines take a little more labor. Trinity is a doctrine which takes a little labor, where all the verses related to Trinity are to be collected and then sifted, then sorted, then compared, and then analyzed, so that a clear picture of the doctrine of Trinity emerges. A lot of people have done this, and a very clear picture has emerged through their works. And once that picture emerges, and once a teacher like I present this doctrine in a class, you can analyze it. In fact, you ought to analyze it. In Acts, in the book of Acts, we read about the people of Berea, called as the Bereans. Every day they analyzed in the scripture
whether what the apostles taught is right. And we all should develop that habit. Once I teach, you should analyze it. If I teach something that is error, you should ask. If I taught you something wrong, with all humility, I will apologize for teaching something that is wrong or something that is not taught by the Bible. तो प्रभु के वचन में किसी भी उपदेश से संबंधित जितने पद हैं उन सबको कलेक्ट करके अच्छी तरह से फेंट कर अच्छी तरह से डिवाइड करके विश्लेषण करने के बाद उसकी जो वास्तविक स्थिति है वो व्यक्त होती है। त्रित्व के बारे में बहुत लोगों ने किया है और इसलिए आपको जाके ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं जब क्लास में ये विषय पढ़ा दूंगा और जब मैं दर्जनों पद आपके सामने रखूंगा, इनको नोट कर लें और नोट करने के बाद आप स्वयं इसका विश्लेषण कीजिए और देखिए यदि आपको लगता है कि मैंने कोई बात यहाँ गलत बताई है या गलत बात पढ़ाई है, बेधड़क बोलिए ब्रदर जॉनसन आपने फलानी बात जो क्लास में आपने बताई थी वो गलत है। मैं पूरी नम्रता के साथ मान लूंगा कि मैं गलत था, मुझे कोई अपमान नहीं फील होगा, मैं सर्वज्ञानी नहीं। ओके, आप पूछेंगे कि मान के चलिए कि कोई व्यक्ति त्रित्वोपदेश मानने को तैयार नहीं है, आप कहेंगे कि ब्रदर जॉनसन आप त्रित्व पढ़ाने जा रहे थे, ये पृष्ठभूमि अभी भी पृष्ठभूमि बांध रहे हैं। जी हाँ, उसके पीछे कारण है। Suppose you may come to me and ask, Brother Johnson, I know such and such preacher, fantastic preacher. And when he preaches, people are glued unto him. But he doesn't believe in the doctrine of Trinity. Do you have any comment to make? When I say this much, you may ask, Brother Johnson, you are going to teach Trinity, but even now you are in the introductory stage. Yes. Actually, when we go through scripture and when we pick up each and every fundamental doctrine, it becomes clear that whether the fundamental doctrine is related to faith or whether the fundamental doctrine is related to practice, lot of background information is necessary. One reason why often we do not understand doctrines or the significance of doctrines is because we neglect the background. And if we neglect the background, often we are not able to comprehend the doctrine. That is why before entering the subject proper, I am giving you so much background. आप पूछेंगे कि आप पृष्ठभूमि बहुत ज्यादा ले रहे हैं? जी नहीं, प्रभु के वचन में दो प्रकार के उपदेश हैं। नंबर वन, हमारे विश्वास से संबंधित उपदेश। नंबर दो, हमारे जीवन से संबंधित उपदेश। विश्वास से और जीवन से संबंधित उपदेशों को जब हम उनका अध्ययन करते हैं तब इसमें से हर उपदेश की अपनी अलग अलग पृष्ठभूमि होती है। अक्सर हम पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर देते हैं, उसका रिजल्ट क्या होता है, उपदेश समझने में हमसे गलती हो जाती है। पृष्ठभूमि उतनी ही जरूरी है जितना कि उपदेश। सो यू मे आस्क ए पर्सन, आई नो ए पर्सन इज अ फैंटास्टिक बाइबल टीचर और प्रीचर, बट ही डजंट एक्सेप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी। आई वॉन्ट टू रेस्पॉन्ड टू यू माई ब्रदर एंड सिस्टर बाय सेइंग दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी इज सो फंडामेंटल that if a person rejects a doctrine of Trinity, then if you carefully check his teachings, you will find that he will eventually, or in his private life, he denies all the fundamental doctrines of the Bible. He will deny the Godship, the deity of Lord Jesus Christ. He will deny the Godship or the deity of the Holy Spirit. And eventually he will also deny the verbal inspiration
of the 66 books of the Bible. So Trinity is a very fundamental doctrine, and a person's response or his belief in the doctrine of Trinity can be used to measure and gauge his commitment to the entire canon of the Christian faith. So don't come and tell me he's a great teacher, he doesn't believe in Trinity, he says that Trinity is not fundamental. If you say that to me, I would like to say that he is either a heretic, already a heretic, or he is on the path of heresy. I've seen dozens of people like that in the Christian faith. Eventually, all of them became heretics. यदि आप मुझसे पूछें कि फलाना भाई फलानी बहन अच्छा बाइबल टीचर है, अच्छी बाइबल टीचर है, लेकिन प्रीतोपदेश जो है उसको नहीं मानते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, यदि कोई व्यक्ति त्रित्वोपदेश का विरोध करता है, उसको रिजेक्ट करता है, तो उसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति प्रभु के वचन के क्रमशः प्रभु के वचन के हर उपदेश को रिजेक्ट करेगा। मैंने ऐसे दर्जनों लोगों को देखा है जो बहुत आउटस्टैंडिंग बाइबल टीचर है, लेकिन त्रित्वोपदेश को नहीं मानते थे। क्रमशः क्या हुआ, प्रभु यीशु के ईश्वरत्व को रिजेक्ट किया, पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को रिजेक्ट किया, पुराने नियम को रिजेक्ट किया, उसके बाद नए नियम की कुछ पुस्तकों को रिजेक्ट किया, क्रमशः सब रिजेक्ट कर दिया। जो व्यक्ति त्रित्वोपदेश का विरोध करता है वो या तो हेरेटिक मतलब जिसने मसीही विश्वास को त्याग दिया है, वो या तो हेरेटिक है या हेरेटिक बनने के रास्ते पर चल रहा है। नाउ लेट अस स्टडी द डॉक्ट्रिन, और लेट अस मेक ए बिगिनिंग ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी। यू मे आस्क जॉनसन ब्रदर, इज द इंट्रोडक्शन ओवर? नो, द इंट्रोडक्शन इज नॉट ओवर। आई गेव ओनली पार्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन as an appetizer, but since you have all come here to study the Trinity doctrine, let me introduce the doctrine. The rest of the introduction, Lord willing, I will cover in the next class, okay? But before I go further, you may want to know, will I be giving these outlines to you? And the answer is, sorry, no, I will not be giving these outlines to you. I have my own conviction about that. Based upon 14 months of observation on Zoom, I noticed that if I promise to give the outline, people keep away the Bible, keep away the diary, and keep away the notebook, and they don't take notes. That's a big loss. And therefore, I have taken a firm stand that my outlines will not be given to you. So if that question is there in your mind, the answer is no. Please pick up your Bible, pick up your diary, and start noting down the verses which I am going to quote. आगे बढ़ने से पहले मैं विषय में प्रवेश करने जा रहा हूँ। इंट्रोडक्शन अभी खत्म नहीं हुआ, उसको बाद में फिर से देखेंगे। आप पूछेंगे, ब्रदर ये जो आप क्लास ले रहे हैं, इसका आउटलाइन रिलीज करेंगे क्या? और मेरा बहुत नम्रता के साथ उत्तर यह है, मैं करता था, और जब मैं करता था तब मैंने नोट किया कि लोग ना तो बाइबल लेके क्लास में आते हैं, ना डायरी लेके आते हैं, बस सोचते हैं जॉनसन ब्रदर ने सारा काम कर दिया, अब कहे को मैं फालतू झंझट में पढ़ूं। तो मैं आउटलाइन देने के द्वारा आपको बिगाड़ रहा हूं, क्या आदतें बिगाड़ रहा हूं, इसलिए दूसरे लोग देते हैं, देने दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं नहीं दूंगा। कृपया बाइबल, डायरी और नोटबुक लेकर मैं जो पद आपको बता रहा हूं, मैं जो पॉइंट बता रहा हूं, इसको कृपया नोट करते चले जाएं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड। द स्क्रिप्चर रिपीटेडली अफर्म्स दैट देयर इज ओनली वन गॉड, एंड देयरफॉर आफ्टर इंट्रोडक्शन द फर्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू पिक अप, एंड द टाइटल ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज देयर इज only one God. This is something that all of you will accept, isn't it? There is only one God.
the scripture right from the book of Genesis up to the last book makes it very clear that there is only one God. We have countless references in the Bible. Some of them I will quote, and please do note down. I will go slow so that you can note down the reference and read while you are attending the class, and also so that you can read later. तो आइए हम जो इंट्रोडक्शन है उसको आधा अधूरा छोड़ के उसको बाद में पिकअप कर लेंगे. पहले अध्याय में प्रवेश करते हैं और पहला अध्याय है, उसका टाइटल है परमेश्वर एक है. परमेश्वर एक है जब मैं कहूंगा तो आप सब उसको स्वीकार करेंगे. मसीही जगत में हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि परमेश्वर एक है. परमेश्वर एक है इसके बारे में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक जब हम जाते हैं, सैकड़ों रेफरेंसेस है जहां पर प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर एक है. और इसलिए पृथ्वी के अध्ययन में पहला अध्याय हम जो ले रहे हैं, या पहला मुख्य विषय विषय प्रवेश के लिए हम ले रहे हैं, वो यह है कि परमेश्वर एक है. सैकड़ों जो पद हैं उनमें से कुछ पद मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं. मैं स्लोली इन पदों को बताऊंगा, अंग्रेजी में पढ़ूंगा क्योंकि ये इंग्लिश क्लासेस हैं, हिंदी में नहीं पढ़ूंगा, मुझे क्षमा करें. लेकिन मैं इतना समय दे दूंगा कि आप बड़े आराम से वो रेफरेंस नोट भी कर सकें और बाइबल खोल के उसको पढ़ भी सकें. कोई जल्दी नहीं है, प्रभु के वचन को बहुत थरोली अपन पढ़ेंगे. There is only one God. Right from Genesis up to the book of Revelation, that statement is affirmed repeatedly. For example, very well-known verse, Deuteronomy 6:4. व्यवस्था विवरण छठा अध्याय और उसका चौथा पद. व्यवस्था विवरण 6:4. Deuteronomy 6:4 says, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord." You may say, if there are references to God being one, why did you come up to Deuteronomy? Why not affirm it from Genesis? There is a reason. Deuteronomy 6:4 is the most important verse for Jews about monotheism, one God. Monos means one. Theos means God. Monotheism, one God. And this is the key verse of monotheism for Jews. And since the Christian faith has come out of the Jewish faith, when I say come out, what I mean is the Jewish faith provides us the historical background. Lord Jesus was a Jew, and the first apostles were all Jews. The foundation of the church was laid, the doctrinal foundation was laid according to 1 Corinthians chapter 3. It was laid by Paul, another Jew, and therefore, usually the Christian faith is called the Judeo-Christian faith. And Judeo-Christian faith, the most important verse, the key verse on monotheism is Deuteronomy 6:4, and that is why I picked it up first. Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. आप पूछेंगे कि यदि एक ईश्वरवाद, जिसको अपन हिंदी में यदि संधि कर देते हैं, समास और संधि तो सबने सुना होगा, संधि कर देते हैं तो उसका उच्चारण हो जाता है एकेश्वरवाद. एक ईश्वरवाद है. एकेश्वरवाद का सबसे महत्वपूर्ण पद है व्यवस्था विवरण 6:4, क्योंकि यहूदी लोग इसको अपना सबसे मुख्य पद मानते हैं और हर दिन इसको रिपीट करते हैं. और चूंकि मसीही विश्वास यहूदी विश्वास में से निकला है, निकला है का मतलब है पुराने नियम यहूदियों ने तो लिखा,
और भजन संहिता 147 के आखिरी दो पद यदि आप पढ़ के देखेंगे तो वहां स्पष्टतया लिखा है कि परमेश्वर ने अपना जो ज्ञान प्रकट किया है, अपना वचन प्रकट किया, वो यहूदियों के द्वारा प्रकट किया है। इसलिए यहूदियों से ही हम निकले हैं। प्रभु यीशु यहूदी थे, प्रभु के सारे जो प्रेरित लोग थे वे यहूदी थे। और परमेश्वर के वचन में सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश है, मतलब उपदेशों का विस्तार है, वो जिस पौलुस की के लेखनों में मिलता है, पत्रियों में मिलता है, वो यहूदियों का यहूदी था। तो इसलिए अक्सर मसीही विश्वास को जूडियो क्रिश्चियन, यहूदी मसीही विश्वास भी कई बार कहा जाता है। इस विश्वास के लिए एकेश्वरवाद का सबसे महत्वपूर्ण पद यह है, इसलिए मैंने इसको पहले लिया। इसके बाद हम मरकुस 12 का 29 देखते हैं, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्स, नॉट द नेक्स्ट क्रोनोलॉजिकल वर्स। क्रोनोलॉजिकली आई हैव जस्ट ड्रॉप्ड हंड्रेड्स ऑफ वर्सेस। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बाइबल वर्स इज फाउंड इन मार्क 12:29, गॉस्पेल ऑफ मार्क 12:29, मरकुस का शुभ संदेश 12 का 29। जीसस रिप्लाइड, स्टेटमेंट ऑफ आवर लॉर्ड, वेरी लॉर्ड हिमसेल्फ, जीसस रिप्लाइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हियर ओ इसराइल, द लॉर्ड आवर गॉड इज वन लॉर्ड। दिस इज एक्चुअली अ कोटेशन ऑफ ड्यूटरोनमी 6:4, एंड द लॉर्ड मेक्स इट वेरी क्लियर दैट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द ओल्ड टेस्टमेंट। देन वी शुड पिक अप अ फ्यू मोर। The next that we are going to read is Romans chapter 3 verse 30. Romans 3:30. अगला जो हम पद देखने जा रहे हैं वो रोमियो की पत्री तीसरा अध्याय 30वां पद, रोमियो 3:30. Since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through the same faith. So this verse also makes it clear that there is one God, monotheism. Another verse that we should examine is 1 Corinthians 8:6. एक और पद मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, पहला कुरिंथियों 8:6। Yet for us there is but one God, the Father, from whom all things came and for whom we exist. I mentioned only 4 verses out of maybe 400 which I could have quoted, because if we pick up 4 of the most important verses, that would be enough to clarify a subject about which we are already rather clear that there is only one God. मैंने कुल मिला के 4 पद आपके सामने पेश किए हैं, शायद 400 कर सकता था, लेकिन कई बार 4 यदि जो मुख्य पद है वो सामने रख दिए जाते हैं तो वह 400 के समान है। चावल पका है क्या ये देखने के लिए हंडिया के हर चावल को दबा दबा के देखना नहीं पड़ता है? एक या दो को देख लिया तो अनुमान हो जाता है कि सारी हंडिया में चावल पका हुआ है या नहीं। उसी तरह से प्रभु के वचन में एक ईश्वरवाद के बारे में 400 या 500 जो पद है या उससे ज्यादा जो है, उसमें से 4 मुख्य पद यदि मैंने आपके सामने पेश कर दिए तो अब बाकी देखने की जरूरत नहीं, इसलिए मैं ये 4 पे इसको छोड़ रहा हूं। इफ आई पिक अप द नेक्स्ट सब्जेक्ट आई वोंट बी एबल टू फिनिश इन टाइम। So if the Lord allows, we will proceed from here in our next class. The time is already 8:02. In next 6 minutes, I cannot cover anything. But in closing, I want to remind you a few things. Brothers and sisters, Trinity is the most fundamental doctrine in the Bible.
And all the other doctrines depend upon the doctrine of Trinity. And therefore, all of us should make an attempt to understand and appreciate the doctrine of Trinity. That's why in our classes, we started with the doctrine of Trinity. प्रिय भाई और बहनों, अगला पॉइंट यदि मैं लेता हूं तो वो अगले 6 मिनट में कवर नहीं हो सकता, इसलिए अब हम उसको अगले हफ्ते देखेंगे। लेकिन एक बात क्लोजिंग में मैं अर्ज करना चाहता हूं, अनुरोध करना चाहता हूं, बाइबल के सारे डॉक्ट्रिन्स चूंकि ट्रिनिटी पर या त्रित्व पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि इस डॉक्ट्रिन को अच्छी तरह से समझ लें। और यदि उसको अच्छी तरह से समझ लें तो बाकी डॉक्ट्रिन्स समझना आसान हो जाएगा। यू मे सडनली से, ब्रदर जॉनसन, आई हैव हर्ड पीपल टीचिंग ट्रिनिटी, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड द ABC ऑफ इट। प्लीज वेट, लेट अस सी वेदर इट इज नेसेसरी टू मेक दिस डॉक्ट्रिन सो कॉम्प्लिकेटेड दैट those who learn, they are not able to understand, and those who teach are not able to understand. Is the word of God so complicated? No. God has given his word to us to understand. And I will try my best to explain the doctrine of Trinity in the most simple possible way in the coming weeks. Please, you know my phone number. Please send all your questions. Let all the questions come. I will study them. I will try to answer all questions. Closing में मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आपके पास मन में जो भी प्रश्न है, भाई डॉक्टर सनीश ने मेरा नंबर कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दिया है, आने दीजिए। यदि मैं उन प्रश्नों का जवाब नहीं जानता तो मैं दिल खोल कर अध्ययन करूंगा, जवाब ढूंढूंगा, आपके सामने पेश करूंगा। लेकिन ट्रित्व को स्टडी करने के लिए जो अवसर मिला है, इस अवसर पर आपके मन में जो प्रश्न है, उन प्रश्नों को जाने ना दें, बल्कि उनको समझाने के लिए मुझे एक अवसर दीजिए। आई थैंक गॉड फॉर दिस अपॉर्चुनिटी दैट यू गेव, एंड आई थैंक गॉड फॉर सो मेनी पीपल हु वर एबल टू कम एंड अटेंड। प्लीज ट्यून इन नेक्स्ट ट्यूजडे 7 o'clock, and as I said, we have a lot of capacity. We can accommodate up to 500 people, and today we had only about 85, somewhere between 85 or 95. I was not looking at the control panel, so I really don't know the number. I'll know it only when Dr. Sanish tells me the exact tally, or the other co-host Shanta Philip tells me the exact number. Otherwise, I would not know. But I am happy that so many came. But since we have so many more capacity, please encourage particularly young people to come and attend. Dear friends, I am confident that you enjoyed listening to this question answer video by Dr. Johnson C. Philip. He would love to get your questions. Please post your questions in the comment box below this video and he will prepare a video reply for you. Please post only one question at a time, and make it as detailed as possible so that Dr. Philip has no problem in understanding exactly what you mean. Also, please encourage this ministry by subscribing to this channel. Below this video, there is a subscribe button. Please click it. Also, please click the bell icon near it to complete the process of subscribing. Thank you very much for being such an encouragement to our channel.